हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के स्किल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ये टेम्पो का ट्यूब है, टायर है, इसको हम पंचर बनाएंगे आज और देखते हैं कैसे तरह खोलेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह हमेशा स्किल से रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। ये है टायर लेवर, इसे हम खोलेंगे। टायर का साइज है 3 4 50 10 है, ये टेम्पो में लगता है। इसमें 3 जो चक्का होता है उसी में लगता है। ट्यूब निकल नहीं रहा है इसलिए इसमें डबल ट्यूब डाला हुआ है, लंगोटी डाला हुआ है सेफ्टी के लिए। कंडीशन फाइनली ट्यूब निकल गया है। ये लंगोटी था सेफ्टी के लिए लग, और ये ट्यूब है। ट्यूब में वेल कटा हुआ है तो उसको भेल बनाएंगे। देखते हैं प्रोसेस कैसे बनता है भेल। देख सकते हैं ये भेल कट गया, भेल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम चाकू, ये है, और इस चाकू से इसको हल्का प्लेन करेंगे ताकि इसको जो बैठाने वाला भेल हो आराम से बैठ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आराम आराम से करना है। अब इसको हम थोड़ा सा नहीं रगड़ेंगे, अब इससे हम इसको घसेंगे। फाइनली अच्छा था, यह घसा चुका है और ये वाला हम भेल लगाएंगे। थोड़ा सा नहीं, इस पर सोल्यूशन दे देते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ बता रहे थे, ये वाला हमको डालना होगा कार्ट के अंदर, इसमें सपोर्ट के लिए बता देता हूँ। आप भी कहीं भी आप भेल बनवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी मिस्त्री को दिखा कर आपको भेल बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हल्का इधर करते हैं, हाँ।
इसको हल्का काटेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब इसको इसमें फंसाएंगे। अब इसको अंदर डालेंगे। इसको अब अंदर डालेंगे फ्रेंड्स। ए अंदर फाइनली ये अंदर चला गया। अब हल्का इसमें सुलेशन दे देंगे गाइड्स, ताकि सड़ जाएगा वो। और अब हल्का इसको मिला देंगे। इसको सुखाएंगे। अब इस पंचर पत्ता को इस तरह काट लेना है आपको, बीच में हल्का होल कर देना है। इसमें आप साटेंगे, इसको उखाड़ देना है इसे। और इसको ऐसे काट देना है। लेयर नहीं लेना चाहिए, एयर हल्का ले लिया तो फिर आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा फ्रेंड, इसलिए एयर को बचा कर साटना है। ये फाइनली अब ये सटा गया। और अब हम इस पर ये वाला साटेंगे। उस तरह आपको टायर का ट्यूब का काट लेना है। अब हम नट प्लेट लगाएंगे। ये इस तरह नट प्लेट होता है, ये नट प्लेट है, इसको अब लगाएंगे। इसमें इस तरह लगा देंगे और नट से कस देंगे। 13 नंबर इसमें साइज लगेगा रिंच, ये रिंच लगेगा 13 नंबर। और इसको ऐसे कस देना है। ये फाइनली कस देने के बाद जितना इसे कैपेसिटी होगा उतना ही कसना है, ना ज़्यादा ना कम, देख लेना है। ये एक्चुअली हो गया लिमिट में। अब इसको चेक करके बताएंगे आपको। इसका नाम डाई है फ्रेंड्स, और ये वेल्पिन है। इसको इस तरह लगाकर कसना पड़ेगा। आपको एक दिन हम पार्ट्स के बारे में वीडियो बताएंगे, बनाकर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कितने लोग हैं चाहते हैं पार्ट्स के बारे में, टायर दुकान में क्या क्या सामान होना अनिवार्य है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको इसमें लगाएंगे हम और इससे डाई से कर देंगे। अब हम चेक करके बताएंगे आपको कि मेरा ये बेल बनना सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, आइए बताएंगे। अब मिट्टी में हवा भरते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया, नहीं निकल रहा हवा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फाइनली ये ट्यूब बन चुका है, और देख सकते इस तरह वेल बना है। और ट्यूब का साइज है 450, देखो यहाँ 450 प्लस लिखा हुआ, ये बस नेक्सराइड कंपनी होती है। और ये ट्यूब वेल बन चुका है, मात्र 70-80 रुपये में वेल बन जाता है। और अगर आपके पास नया अभी इसका नया ट्यूब का जो पंप है तो आप वेल बना सकते हैं इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट।